नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास। आप देख रहे हैं जौनपुर कवरेज न्यूज। जौनपुर जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब के नशे में एक पिता ने अपने बेटे को ही काट डाला। फिलहाल 6 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आपको बता दें, जौनपुर जनपद के जफराबाद थाना इलाके के उत्तरगावा की अनुसूचित बस्ती में शनिवार की देर रात शराब के नशे में धुत पिता ने अपने बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के 6 घंटे बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। जौनपुर जिले के युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या का आरोप उसके पिता पर लगा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी के पिता को 6 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, जौनपुर के जफराबाद थाना इलाके के उत्तरगावा की अनुसूचित बस्ती में शनिवार देर रात शराब के नशे में धुत पिता ने अपने बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के 6 घंटे बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। जफराबाद थाना के उत्तरगामा के अनुसूचित बस्ती में शनिवार को इंद्रजीत शराब के नशे में धुत था। आरोप है कि रात करीब 12 बजे उसने अपने बेटे राजमन 30 के ऊपर कुल्हाड़ी से कई बार हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से राजमन की गर्दन धड़ से अलग हो गई। राजमन के छोटे भाई अजय कुमार व गुलशन कुमार उसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने राजमन को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं हत्यारे पिता इंद्रजीत को पुलिस ने घटना के 6 घंटे बाद गांव में ही हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों, ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।